आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अजूस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ स्पर्म्स सीमन में नहीं मिलते हैं और ये हम सीमन एनालिसिस द्वारा निर्धारित करते हैं। ऐसे अवसर पर उसे पहले देखा जाता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। यूजली हार्मोनल लेवल्स चेक करने पे, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इनेबिन, ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जिसके टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शायद ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कहीं कुछ ब्लॉकेज है इसलिए स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ब्लॉकेज नहीं है बट शायद किसी और कारणवश, जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कीमोथेरेपी हुआ होगा रिसेंटली, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हार्मोनल थेरेपी कई अवसरों में पुरुषों को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के लिए दिया जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम स्पर्म प्रोडक्शन के होते हैं। बहुत एक कॉमन हार्मोनल ट्रीटमेंट अजूस्पर्मिया के लिए है इंजेक्शन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शंस। ये कभी एक साथ भी दिए जाते हैं और इन हार्मोन्स का ये रोल होता है कि ये टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कुछ अवसरों पर एक और हार्मोन क्लोमिफीन सिट्रेट नामक दिया जाता है, ये भी स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इस मेडिकेशन का रोल ऐसा होता है कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो दो हार्मोन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, उसके लेवल को इंक्रीज करके, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकते हैं जिससे स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ता है, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है क्लोमिफीन सिट्रेट। ये जान लीजिए कि हार्मोनल ट्रीटमेंट सभी पुरुषों के लिए काम नहीं कर सकते जिनको अजूस्पर्मिया है और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट का सक्सेस बहुत सारे कारणों पर निर्धारित होता है। अक्सर ट्रीटमेंट्स कभी कभी काम नहीं करते हैं और ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अक्सर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ही आपके लिए शायद आखिरी रास्ता हो सकता है। मैंने आखिरी कहा मगर ये नहीं कहा कि इसका कोई होप नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, IVF का ही भाग होता है बट ये बहुत अच्छे से काम करता है उन पुरुषों के लिए जिनमें अजूस्पर्मिया है और ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे पर पैदा हो रहे हैं टेस्टिस में, तो उन स्पर्म्स को एक स्पेशल प्रोसीजर TISA नामक प्रोसीजर द्वारा बाहर निकाल कर इक्सी कर आप अपने एम्ब्रियोज तैयार कर सकते हैं IVF द्वारा। लेकिन एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ही आपको करेक्ट राह दिखा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चाहे आपको ऑब्स्ट्रक्टिव हो या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो। बहुत बार दोनों प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।